हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अन अकेडमी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। एम लक्ष्मीकांत, भारत के संविधान और राजव्यवस्था की हमारी इस सीरीज़ के इस एक और बेहतरीन सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई सभी लोग जल्दी से आ जाओ, पार्ट 81 क्लास स्टार्ट होने वाली है और टॉपिक आपको पता है। लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच अभिकरण या राष्ट्रीय जांच एजेंसी। उसके बारे में आप लोगों को मैंने बताया कि किस प्रकार से भारत में 2008 के मुंबई हमले के बाद, आतंकवादी घटना के बाद, भारत में एक ऐसी विशेषज्ञ जांच एजेंसी की स्थापना की बहुत ज़रूरत महसूस की गई, जो आतंकवाद और उससे जुड़ी हुई घटनाओं की विशेषज्ञतापूर्ण जाँच कर सके, इसके अलावा आतंकवादी घटनाओं को रोकने के प्रयास कर सके, दोषियों को सज़ा दिला सके। आखिरकार संसद ने 2008 में एक कानून को जो है प्रस्तुत किया, पारित किया और उसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, राष्ट्रीय जांच अभिकरण अधिनियम 2008 के नाम से जाना जाता है, जिसके द्वारा भारत में भारत सरकार की एक जाँच एजेंसी NIA की स्थापना की गई। एक सांविधिक ये संस्था है जिसका काम भारत में आतंकवाद और उससे जुड़ी हुई घटनाओं की रोकथाम, उससे जुड़ी हुई घटनाओं के मामले की जांच कराना, अभियोग चलाना और दोषियों को, अपराधियों को दंड दिलवाने का है। तो हम लोग NIA को कंप्लीट कर चुके थे, NIA का संगठन, NIA का की संरचना, NIA के कार्य, NIA का उद्देश्य, ये सब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज उसी के बाद हमने स्टार्ट किया था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में बात करना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA। तो आज के जो सेशन में हम लोग बात करेंगे NDMA के बारे में, SDMA स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, DDMA डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में। कुल मिलाकर आज हम भारत में आपदा प्रबंधन के पूरे ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे, आपदा प्रबंधन के अधिनियम को समझने की कोशिश करेंगे और इनके कार्य को, है ना, इनके उद्देश्यों को, लक्ष्य को, कमियों को, ये हम देखेंगे। आवाज़ आ रही है मेरी कि नहीं, पहले तो ये बताइए सभी लोग, एक बार ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं। Am I audible? Perfect। चलिए, तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग। सेशन हम लोग शुरू करने वाले हैं, आप लोग लाइक कर दें और इसे शेयर कर दें ताकि हमारे बाकी भाई बंधु भी जल्दी से जल्दी जुड़ सकें और क्लास को अटेंड कर सकें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अनअकैडमी आपको पता ही है कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इंडिया के टॉप एजुकेटर से यदि घर बैठे पढ़ना है और यदि आप बहुत सारे कोर्सेज चाहते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस चाहते हैं, टॉपर्स का गाइडेंस चाहते हैं और नोट्स चाहते हैं, प्री मेंस इंटरव्यू की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और अभी अनअकैडमी आपको 50% तक का बहुत बड़ा ऑफर दे रहा है, मात्र 1750 1750 रुपये महीना आपको पड़ेगा। इतने में आप अपने IAS बनने का सपना साकार कर सकते हैं। इसमें आपको GS प्लस CSET प्लस ऑप्शनल प्री मेंस की टेस्ट सीरीज और क्या चाहिए भाई, इतना सब कुछ आपको अगर मिल रहा है। आपको प्रीलिम्स की तैयारी के लिए अलग कोर्सेज मिल रहे हैं, मेंस की तैयारी के लिए अलग कोर्सेज मिल रहे हैं, आपको इंटरव्यू के लिए तैयारी करवा रहे हैं, आपको CSET मिल रहा है, ऑप्शनल आपका हो रहा है, टेस्ट सीरीज हो रही है, नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, मॉक इंटरव्यू आपका हो रहा है, तो इसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। इसके बाद सिर्फ आपकी मेहनत बचती है। यदि आप मेहनत करते हैं ना, जैसे कई सारे बच्चे मेहनत तो करते हैं, मेहनत करने का जज्बा रखते हैं, मादा रखते हैं, लेकिन उनके पास संसाधन नहीं होते हैं। आपको ये सब कुछ मिल रहा है इतने में आप, और वो भी मात्र 1750 रुपये महीने में आपको ये पड़ेगा। आपको अपना जो है UPSC क्लियर करने का सपना साकार करना है तो इससे बेहतरीन ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। 197 प्लस टॉपर्स एन अकेडमी ने 2021 में दिए हैं, तो अभी एक बम्पर ऑफर है, 50% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा आप अगर आप एन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन अभी लेते हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इसके लिए बस आपको ये रेफरल कोड CKLIVE
इतना अप्लाई करना है। जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएं, जब आप एप्लीकेशन पर अपना सब्सक्रिप्शन लें, तो आपको सिर्फ CKLIVE अप्लाई कर देना है। उसके बाद में जो भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे उसमें जो बेस्ट अवेलेबल डिस्काउंट होगा वो आपको मिलेगा, और डिस्काउंट हो सकता है आधी फीस तक, 50% तक का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। तो ये रेफरल कोड यूज़ करिए जल्दी से, जो नई आरंभ बैच स्टार्ट हो रही है अनअकैडमी की, टॉप एडुकेटर्स की, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लोन भी ले सकते हैं, अगर इस फीस में भी अगर आपको कोई इशू है, आप पे नहीं कर पा रहे हैं, एक साथ पे करने में कोई दिक्कत है, तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सारा के सारा जो अमाउंट है वो आप लोन के ज़रिए, EMI के ज़रिए पे कर सकते हैं। बस आपको ये रेफरल कोड यूज़ करना है, CKLIVE, CKLIVE रेफरल कोड अप्लाई करिए और जल्दी से जल्दी अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित करिए, अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। आगे आपको पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन यहाँ से मिल जाएगी। चलिए शुरू करें। तो ये चैप्टर हमारा चल रहा था 63, चैप्टर नंबर 63 हमारा चल रहा था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। लेकिन मैं आपको इस चैप्टर में सिर्फ NDMA के बारे में नहीं बताऊंगा, इस चैप्टर में हम लोग इस SDMA के बारे में बात करेंगे, जो राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन का कार्य देखता है। इसके बाद हम DDMA के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी होती है, जो ज़िला स्तर पर आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई कार्यवाहियों के लिए जिम्मेदार है। तो हम लोग NDMA, SDMA और DDMA, तीन संस्थाओं के बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करते हैं, चलिए, कि भारत में आपदाओं से निपटने के लिए हमारी सरकार, आपकी सरकार आखिर क्या कर रही है और किस प्रकार से आपको जो है सुरक्षित जीवन देने की कोशिश की जा रही है। तो इसको मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था कि हमारे यहाँ 2004 में जब हिंद महासागर में आई थी एक सुनामी, एक विशाल सुनामी हिंद महासागर में 2004 में आई थी, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, लाखों लोग जो है काल के गाल में समा गए थे। ऐसी स्थिति में फिर हमारे यहाँ 2005 में एक आपदा प्रबंधन अधिनियम, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पास किया गया, और भारत में इस एक्ट के द्वारा आपदा प्रबंधन से निपट जो है के लिए एक बेहतरीन संरचना की स्थापना की गई। इस अधिनियम ने भारत में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया था, जो मैंने आपको बताया था, जिसका मुख्य काम है पूरे देश के लिए आपदा से निपटने के लिए एक प्रभावी नीति बनाना, एक समेकित नीति बनाना, इंटीग्रेटेड पॉलिसी, ताकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की जो है नीतियाँ ना बने और कोई विरूपता ना आ जाए, एक रूपता के लिए यहाँ आपदा प्रबंधन के लिए समेकित नीति बनाकर उसे लागू करने का जिम्मा जो है वो NDMA का है। तो इसकी स्थापना 2005 में ही हो गई थी। इस कानून को, अधिनियम को पास करने के पहले ही हमने एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कर ली थी, लेकिन कानून पास करके इसको सांविधिक दर्जा दिया गया। वर्तमान में NDMA को एक सांविधिक दर्जा है, स्टेच्यूटरी एक्ट जो है स्टेटस दिया गया है। हम लोग इस पर भी डिस्कस कर चुके थे कि NDMA की संरचना कैसी है। कुल मिला के इस, अगर आप देखेंगे इस प्राधिकरण में, इस संगठन में, मैंने आपको बताया था एक अध्यक्ष और 9 सदस्य तक होते हैं। कुल मिला के इसमें 10 लोग होते हैं और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, जो भी उस समय प्राइम मिनिस्टर होंगे भारत में, वो वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो जब तक उस प्रधानमंत्री का कार्यकाल चलेगा तब तक वो NDMA के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करेंगे, और फिर जब नया प्रधानमंत्री आ जाएगा तो फिर वो अगला NDMA का अध्यक्ष बन जाएगा। और अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। उपाध्यक्ष का दर्जा कैबिनेट मंत्री का होता है, ये भी मैंने आपको बताया था। और बाकी सदस्यों का दर्जा राज्य मंत्री के बराबर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर होता है। मतलब NDMA एक बड़ा संगठन है जिसमें प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री स्तर के लोग होते हैं। सोचिए, शक्तिशाली संगठन है, बड़ा संगठन है, महत्वपूर्ण संगठन है। तो ये हो गई NDMA की संरचना। यहाँ तक तो हम लोग बात कर चुके थे। अब आज के सेशन में हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले तो NDMA या राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य क्या है। उद्देश्य जो भी आपको यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगा बताऊँगा वो तो हम लोग पढ़ेंगे ही, पर एक कॉमन सेंस की बात है कि कभी आपको अगर ऐसे ही लिखने को मिल जाए तो आप लिख सकते हैं बड़े आराम से, नाम में ही उद्देश्य छिपा हुआ है ना।
अगर मान लीजिए सड़क सुरक्षा समिति, तो इस नाम में ही समिति का उद्देश्य छिपा हुआ है कि ये सड़क पर लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई काम करेगी। अगर मैं कह रहा हूँ आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा आपदाओं का इस तरीके से प्रबंधन करना ताकि आपदाओं से होने वाली हानियों को, जोखिमों को कम किया जा सके, न्यूनतम किया जा सके, है ना। कई बार प्रश्न में ही उत्तर छिपा होता है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य रटने की जरूरत नहीं, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नाम में ही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य छिपे हुए हैं। थोड़ी सी स्मार्टनेस अपने अंदर हमको लेके आनी पड़ेगी। हर चीज़ को रटना, हर चीज़ को याद करना ज़रूरी नहीं होता। इज दैट क्लियर? क्लियर नहीं दिख रहा है, आप एक बार चेक करिए, बाकी लोगों को दिख रहा है कि नहीं क्लियर? थोड़ा सा ध्यान दें कमेंट बॉक्स में, मुझे थोड़ा सा कंफर्म करें कि वीडियो क्लियर है ना। थोड़ा सा अपने वीडियो को हाई रेजोल्यूशन पर लेके जाइए, वीडियो क्वालिटी को ऊपर करिए। अगर आपको नहीं दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, तो वीडियो क्वालिटी को ठीक करिए, आपको ठीक दिखने लगेगा। चलिए, तो एक एक करके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उद्देश्य पर बात करेंगे। कुछ मत रटिए, बस समझिए, अपने आप दिमाग में ये सारी चीज़ें फिट हो जाएंगी और फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं आएंगी। तो क्या है भाई उपदेश्य है? ज्ञान, नवाचार, शिक्षा के माध्यम से रोकथाम तैयारी और समुत्थानशीलता संस्कृति को बढ़ावा देना। तो आप क्या कर रहे हैं? आप रोकथाम चाहते हैं ना आपदाओं की, आप आपदाओं की रोकथाम चाहते हैं, आप आपदाओं के लिए बेहतर तैयारी चाहते हैं। तो ये कैसे हो पाएगा? इसके लिए ज्ञान का उपयोग करेंगे, इसके लिए नवाचार का उपयोग करेंगे, मतलब इनोवेशन का यूज़ करेंगे, जो हमारे पास अवेलेबल नॉलेज है। जैसे हम एक आपदा की बात करें, भूकंप, तो भूकंप के बारे में हमें क्या क्या ज्ञान है, भूकंप कैसे आता है। थोड़ा सा भूकंप का अगर आपने भूगोल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि भूकंप जो आता है वो प्राकृतिक और मानव जनित दोनों कारणों से आ सकता है। विशेष करके प्राकृतिक कारण जो है वो भयानक भूकंप लेकर आते हैं, शक्तिशाली भूकंप लेकर आते हैं। मानव जनित कारणों से आने वाले भूकंप उतने ज़्यादा भयानक नहीं होते। प्राकृतिक कारणों से भी भूकंप क्यों आते हैं? हमारा ज्ञान ये कहता है कि प्राकृतिक कारणों से जो भूकंप आते हैं उसमें सबसे बड़ा कारण है प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियाँ, है ना। आपको पता है कि पृथ्वी के अंदर धरातल में कई सारी चीज़ें चलती रहती हैं और जब इनकी वजह से प्लेट्स की मूवमेंट होती है, चाहे आपने पढ़ा होगा कि प्लेट का आपस में कन्वर्जन हो, डाइवर्जन हो, या प्लेट में आपने अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा आपने पढ़ा होगा, ऐसा कुछ भी होता है तो सबसे भयानक भूकंपों की उत्पत्ति तभी होती है। तो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत सबसे बड़ा कारण है भूकंपों का, हमने देखा है। तो ये हमारा ज्ञान है। इस ज्ञान का फिर इसके साथ नवाचार, कैसे हम लोग भूकंप के लिए, और हमने तरंगों के बारे में पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, सारे कारण पढ़ लिए, अब इनोवेशन, कैसी बिल्डिंग बनाई जाए कि वो भूकंप को सह पाए, तो ये नवाचार हो गया। इस तरीके से ज्ञान, नवाचार और शिक्षा के माध्यम से रोकथाम करना, तैयारी करना और सभी को इन आपदाओं से बचाना, ये एक उद्देश्य हो गया। दूसरा, प्रौद्योगिकी, परंपरागत ज्ञान और पर्यावरणीय धारणीयता पर आधारित न्यूनीकरण उपाय को प्रोत्साहित करना, ऐसे और उपायों को प्रोत्साहित करना जिनसे कि हमको फायदा हो। इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। जैसे आजकल चक्रवातों के संदर्भ में बड़ा हो रहा है, आपने देखा होगा कि चक्रवात आते हैं तो हम तकनीक के माध्यम से पहले तो बहुत जल्दी पता कर लेते हैं कि चक्रवात कहाँ पैदा हुआ है, किस दिशा में बढ़ रहा है, किस गति से बढ़ रहा है। तो हमारे पास में तमाम संसाधन हैं जो लोगों को पहले अलर्ट कर देते हैं। 24 घंटे पहले हम उस इलाके को पूरा खाली करवा सकते हैं जहाँ चक्रवात 24 घंटे बाद आने वाला है। कितने सारे लोगों की जान बचाई जा सकती है, है ना। तो ये टेक्नोलॉजी, इवन जापान की आप बात करें तो जापान ने तो अपने यहाँ पर इतनी बढ़िया तकनीक विकसित कर ली है कि भूकंप आते हैं ना वहाँ पर, तो उसकी भी कुछ सेकंड पहले वो जानकारी देने में सक्षम हो गए। तो ये टेक्नोलॉजी है। फिर परंपरागत ज्ञान हमारा उन आपदाओं के बारे में कि भाई कैसे पता चल जाता है कि कोई आपदा आने वाली है, कुछ जानवरों को देखकर, उनकी विशेष हरकतों को देखकर पता चल जाता है कि कोई आपदा आने वाली है, ये परंपरागत ज्ञान हो गया।
और पर्यावरणीय धारणीयता पर आधारित ऐसे उपायों को प्रोत्साहित करना जिनसे आपदाओं को कम किया जा सके, उनके नुकसान को कम किया जा सके। फिर विकासात्मक नियोजन प्रक्रिया की मुख्य धारा में आपदा प्रबंधन को जोड़ना। हम सभी विकास चाहते हैं, हम सभी डेवलपमेंट चाहते हैं। दुनिया में सीधी सी बात है कि जो रुका हुआ है, जो स्थिर है, वो कभी विकास नहीं कर सकता। विकास करने के लिए आपको लगातार आगे बढ़ना पड़ेगा, लगातार गति करनी पड़ेगी। तो ये जो विकासात्मक प्रक्रिया है उसकी मुख्य धारा में डिजास्टर मैनेजमेंट को भी जोड़ना कि भाई आपदा के प्रबंधन को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा अगर आप विकास चाहते हैं। तो ये वैसी स्थिति हो जाएगी, नहीं तो आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात कि आपके सामने इधर आग लगी, इधर आपदा आई, इधर कुआं खोद रहे हो, तो जब तक आप कुआं खोदेंगे और कुएं में से पानी निकालेंगे तब तक आपका वो पूरा भवन या जो भी इमारत है जो जल रहा है वो पूरा जल के नष्ट हो जाएगा। अगर पहले से कुआं खोद के रखेंगे, हमारे यहाँ बड़े बुजुर्ग ऐसी कहावतें बहुत सारी कहकर गए हैं, अगर आप पहले से कुआं खोद कर रखते हैं तो क्या होगा, जैसे ही आग लगेगी तुरंत पानी निकाल के आप उस आग को बुझा सकते हैं। मतलब पहले से तैयारी करना, यही चीज़ है। अभी तक क्या है ना कि आपदा प्रबंधन को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेते थे पहले, लेकिन अब लगने लगा है कि आपदा प्रबंधन जो है वो भी एक महत्वपूर्ण विषय है। एक समर्थ नियामकीय वातावरण अनुपालन व्यवस्था सृजित करने के लिए संस्थागत और प्रौद्योगिकी वैधानिक तंत्र की स्थापना करना, ये भी NDMA का उद्देश्य है। एक ऐसा सिस्टम बनाना, ठीक है, जो संस्थागत और प्रौद्योगिकी पर आधारित हो। थोड़ा काम जो भी किया जाएगा, जो नीति बनाई जाएगी, जो पॉलिसी बनाई जाएगी, वो व्यवस्थित होगी और वो समर्थ नियामकीय वातावरण और अनुपालन व्यवस्था भी करेगा। मतलब ऐसा वातावरण सृजित करेगा जिसमें काम करना जो है वो आसान होगा, नीतियां लागू करना कहीं ज़्यादा आसान होगा और इसके साथ साथ उनका पालन करवाना भी आसान होगा। ये इसके उद्देश्य हो गए। इसके अलावा आपदा के जोखिम की पहचान करना, अनुमान लगाना, अनुश्रवण की कार्य कुशलता प्रक्रिया सुनिश्चित करना। भाई आपदाएं तो कई तरह की है ना, तो उन आपदाओं के जोखिम की पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। हर आपदा का जोखिम एक जैसा नहीं होता, किसी आपदा का जोखिम बहुत बड़ा होता है, मतलब उससे होने वाली रिस्क बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है। तो आपदा के जोखिम की पहचान करके उनका अनुमान लगाना, ये सारी चीज़ें भी इसमें आती हैं। फिर समकालीन भविष्य अनुमान, शीघ्र सचेत करने वाली प्रणाली स्थापित करना, ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि सजगता ही बचाव है, जितनी जल्दी आप चीज़ों से सजग हो जाएं उतना आप जो है बच सकते हैं। यदि मान लीजिए कि आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप प्रौद्योगिकी का यूज़ करते हैं, तो आप भविष्य में कई सारे मौसम से जुड़े हुए अनुमान लगा सकते हैं। कहाँ भारी वर्षा होने की संभावना है, क्योंकि भारी वर्षा होगी तो बाढ़ आने की संभावना होती है। कहाँ चक्रवात आने की संभावना है, कहाँ सूखा पड़ सकता है, तो संभावित भविष्य अनुमान। जैसे किसी साल आप बोलिए अल नीनो का साल आया, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अल नीनो की अगर मान लीजिए कि कोई समय ऐसा होता है अल नीनो वाला, तो पानी बहुत कम आता है। इस साल सूखा पड़ने की संभावना होती है, तो पहले से ही स्टोरेज किया जा सकता है, पहले से ही उससे निपटने के प्रयास किए जा सकते हैं। इसे कहते हैं समकालीन भविष्य अनुमान। जैसे आपने कई बार सुना होगा ना कि आने वाले 2-4 दिन का जो मौसम का वेदर प्रेडिक्शन आप सुनते होंगे कि अगले 4-5 दिन और पानी गिरने की संभावना है, कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, या अगले 4-5 दिन और जो है तेज़ हवाएं चलेंगी, या जो भी है, ये सब संभावित भविष्य अनुमान में आते हैं। इसके अलावा शीघ्र सचेत करने वाली प्रणाली, जो मैंने आपको बताया, जैसे हमने अभी किया है ऐसा हिंद महासागर में, हम सुनामी जो होती है, अब सुनामी आती है तो बहुत तेज़ी से, आपको पता है कि बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें बहुत तीव्रता के साथ, बहुत बल के साथ, फोर्स के साथ तटों से टकराती हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम्स कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि वो आपको थोड़ा पहले सचेत कर देते हैं, सूचना दे देते हैं भाई कि यहाँ आपदा आने वाली है, आप सचेत हो जाइए, आप इस इलाके को खाली कर दीजिए। जैसे कई बार तटीय इलाकों में इस तरीके से लोगों को बाहर निकाला जाता है, घरों से दूर कर दिया जाता है, तटों से बाहर लेके जाते हैं, इसको बोलते हैं शीघ्र सचेत करने वाली सिस्टम प्रणाली स्थापित करना। तो ये सब कुछ इसके उद्देश्य में आता है। समाज के आरक्षित वर्गों की जरूरतों के प्रति सजग और संवेदनापूर्ण प्रतिक्रिया और सहायता सुनिश्चित करना। अब समाज में कई सारे ऐसे वर्ग हैं जो पिछड़े हुए होते हैं और जिन्हें विशेष जो है ध्यान या आरक्षण या संरक्षण की ज़रूरत होती है। अब जैसे मान लीजिए कि वो बहुत गरीब किसान है, वैसे ही गरीब है, कर्ज में डूबा हुआ है,
अब ऐसे में सूखा पड़ता है, उसकी फसल ख़राब होती है, तो उसे तो फांसी लगाने के मरने के जो है स्थिति पैदा हो जाती है, व्यक्ति के सामने हालात भयानक हो जाते हैं कई बार। तो ऐसे वर्गों की ज़रूरतों के प्रति सजग होना, संवेदनापूर्ण प्रतिक्रिया देना, आपदाओं से उनको बचाना, उनकी सहायता करना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ गई। पुनर्निर्माण को एक अवसर के रूप में लेते हुए आपदा सही संरचनाओं का निर्माण करना। इंडिया में एक बहुत सबसे बुरी बात यह है, आपने देखा होगा कि जब मकान बनते हैं, भवन बनते हैं या कोई भी इमारत बनती है तो उसका नक्शा पास किया जाता है, बाकायदा नगर निगम या जो संस्था होगी वो चेक करेगी कि निर्माण की गुणवत्ता क्या है, कितना जो है नक्शे में सारा देखा जाता है कि क्या ये आपदाओं को सहन कर पाएगा कि नहीं। लेकिन हमारे रिश्वत खिला के कई बार जो है कमज़ोर संरचनाएँ बनाई जाती है, कमज़ोर भवन बना लिए जाते हैं, इमारत बना ली जाती है, तो ऐसी इमारतों का निर्माण करवाना ज़रूरी होता है जो आपदाओं को सहन कर सके। कई बार आपने देखा होगा हल्के से भूकंप के झटके से कोई इमारत गिर जाती है, कई बार हमने देखा कि थोड़ी सी बाढ़ आ जाती है और पूरा के पूरा मकान धस जाता है और पूरे का पूरा मकान बह के चला जाता है। तो आपदाओं को सहन करने योग्य जो इमारतें हैं उनका निर्माण, उनकी उन संरचनाओं का निर्माण करना बहुत ज़रूरी है ताकि सुरक्षित रहन सहन को सुनिश्चित किया जा सके, है ना। आप देखते होंगे कई बार कि बहुत तेज़ पानी आ रहा है और ब्रिज के ऊपर से गाड़ियाँ जा रही है और अचानक से जो है वो ब्रिज, वो पुल, वो बह के चला जाता है, उसका कुछ हिस्सा बह के चला जाता है, वो ढह जाता है। अचानक से जो गाड़ियाँ उनके ऊपर निकल रही हैं वो गाड़ियाँ भी उसके साथ पानी के बहाव में बह के चली जाती हैं। अब ये तो है, कई बार धांधली करके, रिश्वत खिला के या कई बार इस तरीके के पुल, ब्रिज, अवसंरचनाएँ कमज़ोर बना दी जाती है ताकि लोगों को पैसा मिल सके, उसमें कमीशन मिल सके। लेकिन इसका नुकसान कब होता है, ये तब दिखाई देता है जब कोई आपदा आती है, जब तेज़ पानी का बहाव आता है, जब कोई भूकंप आता है, बाढ़ आती है, तब इनका खोखलापन सामने आता है, ऐसे में जान माल की हानि होती है। कई बार आपने ऐसा पढ़ा होगा कि कोई ब्रिज गिर गया, नीचे दब के लोग मर गए, गाड़ियाँ दब गई, तो संसाधनों का नुकसान तो होता ही है पर लोग भी मारे जाते हैं। तो ऐसे जो है संरचनाओं का निर्माण करना जो आपदाओं को सहन कर सके, ठीक है, और पुनर्निर्माण को एक अवसर के तौर पर लेना कि भाई ऐसे ऐसे मकान, ऐसी इमारतें, ऐसी संरचना बनाएंगे कि जिनका आपदाओं में बाल भी बाका नहीं होगा। आपदा प्रबंधन के लिए जन माध्यमों के साथ उपादेय और परिवर्तनकारी सक्रियता सुनिश्चित करना। तो ये भी है, जन माध्यम जितने लोगों से जुड़ा जा सके, जैसे आजकल सोशल मीडिया एक बढ़िया तरीका है लोगों से जुड़ने का, सोशल मीडिया और इसके अलावा भी कई सारे तरीके हैं जिनसे लोगों से आप जुड़ सकते हैं, तो इन जन माध्यमों के माध्यम से सक्रियता सुनिश्चित करना, मतलब लोगों को एक्टिव करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके साथ जोड़ना, जागरूक करना। तो ये हो गए NDMA के उद्देश्य, ठीक है। तो हमने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना क्यों की थी, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना के पीछे इतने सारे उद्देश्य थे जो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्य के बारे में, काम क्या है, क्या करता है भाई। नाम में ही मैंने कहा सब कुछ छिपा हुआ है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम को ध्यान से देखिए आप सब समझ जाएंगे। पहला, आपदा के प्रबंधन की नीतियाँ तैयार करना, कुछ इस तरीके की नीतियाँ तैयार करना जिससे आपदा प्रबंधन बेहतर तरीके से किया जा सके। सारा खेल नीतियों का ही है, जैसे आप तैयारी करना स्टार्ट किए होंगे ना तो आपने अपने लिए एक प्लानिंग बनाई होगी, स्ट्रैटेजी बनाई होगी। जितनी अच्छी प्लानिंग, जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी आप बनाएंगे उतना आपके लिए सक्सेस पाना, उतना सफल होना आपके लिए आसान हो जाएगा। मतलब एक ऐसी नीति बनाना, समग्र नीति कहते हैं जिसको, कि भाई आप देखिए आपके लिए प्रीलिम्स भी आता है, आपके लिए मेंस भी आएगा। प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एग्ज़ाम होगी, मेंस में आपको लिखना पड़ता है, आपको डिस्क्रिप्टिव होता है पेपर, फिर इंटरव्यू में व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व परीक्षण की चीज़ें होती हैं। तो आप इस पूरी एग्ज़ाम में ऐसे अलग अलग तैयारी नहीं कर सकते, आपको ऐसी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, ऐसी नीति बनानी पड़ेगी, स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे पूरी एग्ज़ाम की समग्रता से तैयारी हो जाए, इसमें प्रीलिम्स भी कवर हो जाए, इसमें आपका मेंस भी हो जाए और इसमें आपके इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी हो जाए। यदि आप इन तीनों को अलग अलग करके देखेंगे, अलग अलग तरीके से इनकी तैयारी करने की कोशिश करेंगे, अलग अलग नीतियाँ बनाएंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगी। फिर आप एक करेंगे तो दूसरा छूटेगा, दूसरा करेंगे तो तीसरा छूटेगा। सबसे ज़रूरी वही है, पहला काम है एक
अच्छी प्लानिंग बनाना, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाना, और दूसरा उसको वैसे फॉलो करना। कई सारे बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है कि वो नीति या अच्छी स्ट्रैटेजी या प्लानिंग नहीं बना पाते, बस अंधाधुंध तैयारी कर रहे हैं। कभी उन्होंने हिस्ट्री पढ़ लिया तो कभी उनका मन हुआ तो ज्योग्राफी पढ़ लिया, कभी उनका मन किया तो उन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, ऐसा नहीं चलता। दूसरा, कई बच्चे हैं जो अच्छी प्लानिंग बना लेते हैं, स्ट्रैटेजी बना लेते हैं, लेकिन वो उसको फॉलो नहीं करते, बस दीवार पे उसको चिपका दिए। पूरे साल भर का कैलेंडर बना के लोगों में डींगे हाँ करें, मैं इतने महीने में ये पूरा कर लूँगा, फिर उतने महीने में मैं ये कर लूँगा, फिर उसके बाद मैं इतने दिन तक ये करूँगा, रिविज़न करूँगा, करते कुछ नहीं है। लेकिन वो लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपना रुबाब झाड़ने के लिए और इस तरीके की डींगे हाँकते हैं और इस तरीके की प्लानिंग बना लेते हैं, जैसे वो इस प्लानिंग को दूसरों को सुनाते हैं, जैसे वो बनी गए। तो प्लानिंग बनाना अच्छी बात है, पर प्लानिंग को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है। आमतौर पर आपने देखा होगा ना, लोग अपने जो है टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे उसको फॉलो कर पाते हैं, है ना। तो ये जो है, ये सबसे पहला काम है, आपदाओं के प्रबंधन की नीतियों को तैयार करेगा, इस तरीके की नीतियाँ बनाना, ठीक है, जिससे कि आपदाओं का प्रबंधन बेहतर तरीके से। भाई आप लोग एक बात मान लीजिए कि यूपीएससी की तैयारी किसी आपदा प्रबंधन से कम नहीं है। आप लकी है कि आपको कम से कम ये तो पता है कि आपके लिए आपदा आने वाली कब है। ऐसा नहीं कि किसी भी दिन अचानक से आपदा आ जाएगी। आपदा आपको पता है कि अगर आप 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो किस महीने में आपका प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, मतलब आपके पास आपदा की डेट होती है कम से कम। अच्छी बात है कि आप उसके बाद उस समय के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपदा की तैयारी शुरू से करना ज़रूरी है। वैसे ही यूपीएससी की तैयारी भी आपको समय मांगती है, और उस समय में अगर आप बेहतर प्लानिंग के साथ तैयारी करते हैं तो मतलब आप उस आपदा की बेहतर तैयारी कर पाए हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साल भर तैयारी करते हैं ईमानदारी से, और फिर जब आपदा आती है, जब एग्ज़ाम आती है, तब तक उन्हें सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा रिवीजन, पूरा प्रैक्टिस सब कर चुके हैं, एग्ज़ाम आती है और फटाक से निकल जाती है। कुछ लोग होते हैं जो पूरे साल भर मस्ती करते हैं, इधर उधर घूमते रहेंगे, टाइम पास करेंगे, आधा अधूरा पढ़ा, नहीं पढ़ा, ठीक है, आपदा आई, इधर नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का आया, अब पढ़ने बैठेंगे। इसको कहते हैं आग लगने पर कुआं खोदने वाली बात। आपको लगता है क्या कि जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद आप पढ़ने लगोगे, आप सब कुछ पढ़ के फिर निकल जाओगे, फिर परेशान हो रहे हैं सर सी सेट नहीं हो पा रहा है, इधर जीएस में ये सब्जेक्ट नहीं हुआ, वो सब्जेक्ट नहीं हुआ, रिवीजन नहीं हुआ, प्रैक्टिस नहीं, कहाँ से होगा? पूरे साल भर क्या कर रहे थे आप लोग? फिर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं की तो फिर उधर प्री निकल भी जाएगा तो मेंस के पहले जो है फिर रोने लगेंगे कि हमने लिखा ही नहीं कुछ, हमारा प्रैक्टिस ही नहीं, हम लिख नहीं पा रहे, हमारे आंसर नहीं हो पा रहे, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है, तो मेंस में भी वही होगा। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके पास डेट है ना, तो आपदा की तैयारी पहले से करिए, है ना। तो ये आपदा प्रबंधन की नीतियाँ तैयार करते हैं। आपदा प्रबंधन में सारी आपदाएं जो जो है, वो सभी आपदाओं के प्रबंधन से जुड़ी हुई नीतियाँ कि किससे कैसे निपटा जा सकता है। फिर राष्ट्रीय योजना को स्वीकृत करना आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई अगर कोई प्लानिंग है, योजना है पूरे देश के लिए, उसको स्वीकार करना, उसका पालन करवाना, फिर उस योजना उस प्लान के अनुरूप केंद्र सरकार के मंत्रालय और विभागों के द्वारा तैयार योजनाओं को स्वीकृत करना। तो जो प्लान, जो योजना बनाई जाएगी उसके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार के जो मंत्रालय और विभाग हैं उनकी द्वारा तैयार की गई योजनाओं को स्वीकृत करना। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए राज्य योजना के पालन वाले दिशा निर्देश तैयार करना। तो इसके अलावा जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ना, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए भी दिशा निर्देश तैयार करता है ताकि वो भी उसके द्वारा की गई योजनाओं का ठीक से पालन कर सके। ये कुछ काम हो गए आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के। इसके अलावा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय और विभागों के द्वारा पालन किए जाने वाले, ठीक है, दिशा निर्देशों को तैयार करना। दिशा निर्देश से मतलब गाइडलाइन, आपदा से जुड़ी हुई गाइडलाइंस ये जारी करता है, और आपदा से जुड़ी हुई उन गाइडलाइंस का पालन भारत सरकार के मंत्रालय, विभाग और सबके द्वारा किया जाता है कि कोई भी सरकार का दफ्तर है, कर्मचारी जो है, कार्यालय है, ऑफिस है, तो वहाँ पर आपदाओं से जुड़ी हुई क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि उनकी विकास परियोजनाओं और परियोजनाओं को आपदा से बचाने और इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए किए जाने वाले उपायों को
एकीकृत किया जा सके। मान लीजिए कि भारत सरकार का कोई विभाग एक बहुत बड़ा उद्योग लगाने जा रहा है किसी क्षेत्र में। अब भारत सरकार उस क्षेत्र में उद्योग लगाएगी तो स्वाभाविक सी बात है कि उस उद्योग से कई लोगों को रोज़गार मिलेगा, उस उद्योग से भारत में जो है जीडीपी ग्रोथ होगी, इतना सारा इन्वेस्टमेंट सरकार करेगी तो उसका काफ़ी फायदा होगा। लेकिन उस उद्योग को लगाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि उस क्षेत्र में आपदा प्रबंधन की क्या स्थिति, आपदाओं की क्या स्थिति। कहीं आप ऐसी जगह उद्योग लगा दें कि वहाँ बड़े बड़े भूकंप आते हैं, शक्तिशाली भूकंप आते हैं, तो आपके उस उद्योग के लगाए जाने वाले पैसे या इन्वेस्टमेंट का तो ठीक है, लेकिन वहाँ काम करने वाले लोगों के ऊपर भी तो खतरा होगा, उनकी जान को खतरा है कि अचानक से मान लीजिए प्लांट गिर गया, आपका जो है पूरा भवन गिर गया या कुछ भी ऐसा, मलबे में दब गए लोग तो मर जाएंगे, घायल हो जाएंगे। तो जितने भी मंत्रालय और विभाग हैं उनकी परियोजनाएं बनती जो हैं, अपनी अपनी योजनाएं परियोजनाएं, उन परियोजनाओं को आपदा से बचाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। कई बार आपने देखा होगा ना कि सरकार ने कहीं पर सड़क बनवाई और वो सड़क पानी में बह के चली गई। कई बार आपने देखा होगा कि सरकार ने कहीं पर कोई पुल बनवाया और वो पुल जो है वो गिर गया। तो ये आपदाओं से सरकार की परियोजनाओं को बचाने या इनका प्रभाव कम से कम करने के लिए उपायों को, ठीक है, उनको सुझाता है। गाइडलाइन के हिसाब से आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उनकी सहायता करता है। इसके अलावा आपदा प्रबंधन के लिए लागू करने संबंधी प्रयासों में संबंध स्थापित करना, तो जितनी भी नीतियाँ वगैरह जो भी लागू करना है उनमें लोगों में, ठीक है, मंत्रालयों में, विभागों में, उन सभी के प्रयासों को एक करना, कोऑर्डिनेट करना, संबंधों में, ठीक है, स्थापित करना। फिर न्यूनीकरण के उद्देश्य से विधि के प्रावधान की अनुशंसा करना, कैसे कम किया जा सकता है, कितना कम से कम नुकसान हो, इसके लिए अगर सरकार को कहीं कानून बनाना ज़रूरी है तो वो कानून भी बना सकती है, विधि के प्रावधान किए जा सकते हैं। फिर ऐसी सहायता आपदाग्रस्त अन्य देशों को भी उपलब्ध करना, जैसे हमने देखा होगा कि भारत से बाहर कई देशों में जब आपदा आती है तो हमारे देश के द्वारा सहायता भेजी जाती है, मालदीव हो चाहे दुनिया के कई भी देश, आपने देखा होगा अगर कहीं पर बड़ी आपदा आ रही है तो भारत सरकार अपनी तरफ से, जैसे नेपाल में भूकंप आया, मालदीव में कोई आपदा हुई या तुर्की में कोई आपदा हुई, तो हमारी तरफ से भारत सरकार कई सारी सहायता भेजती है। तो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का ये अगला कार्य है कि वो भारत से बाहर भी अन्य देशों को यदि भारत सरकार चाहे तो आपदाओं में सहायता करें। हमारे ज्ञान का, हमारी तकनीक का, हमारे टेक्नोलॉजी का, हमारे संसाधनों का उनको भी जो है लाभ मिले। आपदा की रोकथाम अथवा उसे कम करना अथवा तैयारी, आपदा की आसन्न परिस्थितियों में अन्य कदम उठाना जैसा कि वो उपयुक्त और आवश्यक समझे, तो ये सारे काम, आपदा को रोकना, आपदा को रोक नहीं सकते तो उसको कम करना, जैसे भूकंप, हम प्राकृतिक कारणों से आने वाले भूकंपों को रोक नहीं सकते, लेकिन प्राकृतिक कारणों से आने वाले भूकंपों के दौरान होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं, उसके जोखिम को हम कम कर सकते हैं, ठीक है। तैयारी और ऐसी परिस्थितियों में जो भी कदम उसको जरूर लगे वो उठा सके। फिर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को चलाने के लिए व्यापक नीतियां और दिशा निर्देश निर्धारित करना, तो एक जो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, उसके लिए भी गाइडलाइन नीतियां बनाने का काम जो है वो इसी का है। तो ये क्या है, ये कुल मिला के आपका आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसके काम। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपसे मैंने पहले ही बोल दिया था कि आप अगर थोड़ा सा ध्यान से इस संस्था के उद्देश्य को समझते हैं, इस संस्था को गठित करने के पीछे मकसद को समझते हैं, इसके मदनाम के अर्थ को समझते हैं, तो आपको इसके काम को रटना नहीं पड़ेगा, वो आसानी से आपको याद हो जाएगा। तो ये तो हो गया राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लेकिन हमने पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तो बनाया ही है, साथ ही राज्य स्तर और जिला स्तर पर भी हमने आपदा से निपटने के लिए कुछ संरचनाएं बनाई हैं। जैसे यदि आप राज्य के स्तर पर जाएंगे तो ऐसी ही संस्था आपको राज्यों में भी मिलेगी जिसे SDMA कहा जाता है। यहाँ आप देख सकते हो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार सरकार। वैसे ही पूरे देश में हर राज्य का अपना एक आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है,
जिसे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के नाम से जाना जाता है। अब करता क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस बात को समझना। केंद्र स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जो काम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कर रहा है, वही काम राज्य के स्तर पर ये संस्था करती है। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर राज्य में, प्रत्येक राज्य में एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण स्थापित होना चाहिए, और इसमें भी वही है जो वहाँ है, एक अध्यक्ष सहित 9 सदस्य, ठीक है, एक अध्यक्ष सहित अधिकतम 9 सदस्य, मतलब कुल मिला के 9 लोग होंगे, एक अध्यक्ष और 8 सदस्य, तो टोटल 9 लोग इसमें हो सकते हैं, अधिकतम 9 लोग अध्यक्ष को मिलाकर। जहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य प्रधानमंत्री है, वैसे ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है राज्य का मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। सीधी सी बात है, संसदीय प्रणाली की सरकार है, तो आप सभी जानते हैं कि केंद्र में प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है और राज्यों में मुख्यमंत्री प्रधान है वास्तविक। तो वहाँ अगर प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष है, तो फिर ये तो कॉमन सेंस की बात है कि यहाँ मुख्यमंत्री पदेन अध्यक्ष होगा। तो मुख्यमंत्री अपने अपने राज्य के, अपने अपने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा वो राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष NDMA का पदेन सदस्य होता है। अन्य सदस्य जिनकी संख्या 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनको अध्यक्ष मतलब मुख्यमंत्री नामित करते हैं। इन्हीं में से एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है, और एक व्यक्ति जो है CEO के रूप में काम करता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। काम क्या करता है, तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कर रहा है, वही काम राज्य के स्तर पर SDMA या राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण करेगा। एक्स ऑफिशियो का मतलब ये होता है कि आपको किसी पद पर यदि ऐसा पढ़ने को मिले कि ये पदेन सदस्य है या एक्स ऑफिशियो मेंबर है, तो आपको इतना समझ लेना है कि उस पद पर उस व्यक्ति का चुनाव नहीं हुआ है, उस व्यक्ति का चुनाव किसी और पद, किसी और कर्तव्य के लिए हुआ है, और वो इस पद पर भी अध्यक्ष के रूप में माना जाएगा, मतलब इसको चुनने की ज़रूरत नहीं है इस पर्टिकुलर पोस्ट पर। एग्जाम्पल के तौर पर कोई व्यक्ति ए के रूप में चुना जाता है और बी के रूप में वो पदेन अध्यक्ष माना जाता है, तो इसका मतलब ये कि बी के रूप में किसी व्यक्ति को चुना नहीं जाएगा, चुना जाएगा ए के लिए, और जो ए के रूप में चुना जाएगा वही बी के रूप में भी माना जाएगा, ठीक है। तो जैसे भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में हम किसी को चुनते हैं और वही व्यक्ति राज्यसभा का अध्यक्ष माना जाता है, इसका मतलब राज्यसभा को अपना अध्यक्ष चुनने की, सभापति चुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑफर है कि आप एक खरीदते हैं, दूसरा अपने आप फ्री मिल जाता है, आपको दोनों खरीदने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कई बार कि किसी एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु फ्री मिल रही है, देखा होगा ना आपने कि आप एक सामान खरीदते तो दूसरा आपको फ्री मिलता है, मतलब आपको दूसरा सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, ये खरीदोगे तो वो अपने आप मिल जाएगा आपको। बड़ा अच्छा लगता है इस तरीके के ऑफर, है ना, कि एक सामान खरीद रहे दूसरा उसके साथ फ्री मिल रहा है, कि आपने कोई बड़ा सा तेल का डब्बा सर में लगाने का, बालों में लगाने का, कोई ऑयल का तेल आपने खरीदा और उसके साथ में आपको जो है एक शैम्पू की छोटी बॉटल फ्री मिल गई, तो ये वैसा चक्कर। तो यहाँ हम बात करें काम की, तो SDMA राज्य में आपदा प्रबंधन की नीतियों और योजनाओं को बनाने का काम करता है। तो इसका मुख्य काम यही है, इसका मुख्य काम ये है कि ये आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ है, तो आपदा प्रबंधन की नीति और योजना बनाएगा। तो पहला काम क्या है, राज्य आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण करना। तो पूरे स्टेट के लिए एक आपदा प्रबंधन नीति बनाएगा, ये जैसे पूरे देश के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाता है। अब हर राज्य की अपनी परिस्थितियाँ हैं, कोई राज्य बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित है, कोई राज्य भूकंप से ज़्यादा प्रभावित है, कोई सूखे से ज़्यादा प्रभावित है, अलग अलग तरीके की समस्याएँ हैं। जैसे यदि आप जाएंगे भारत में, असम में, बिहार में, तो लगभग लगभग हर साल असम में ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़ लेके आती है,
बिहार में भी लगभग लगभग हर साल बाढ़ आती है। इसके अलावा आप उत्तर में जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली, जम्मू कश्मीर या हमारे सिक्किम, यहाँ भूकंप काफ़ी आते जाते हैं। या आप चले जाइए उधर महाराष्ट्र में, इसके पास राजस्थान में, गुजरात में, कर्नाटक में, इन राज्यों में कई बार सूखा पड़ता है ना। तो यहाँ के राज्य अपनी जो ज़्यादा आपदाएं हैं, जो आपदाओं से वो ग्रस्त हैं, उनके लिए नीतियाँ बनाएंगे। तो ये राज्य आपदा प्रबंधन की नीति बनाने का काम करते हैं। फिर जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, उसकी जो गाइडलाइन है, उसकी जो दिशा निर्देश है, उसके आलोक में ये राज्य योजना को स्वीकृत करते हैं। मतलब ये ऐसी कोई योजना नहीं बनाते जो NDMA के खिलाफ हो। जो योजना राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाता है, उसी योजना के परिप्रेक्ष्य में, उसी योजना के आलोक में, उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए ये अपनी योजना बनाता है, अपनी प्लानिंग बनाता है। फिर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की विकास योजना और परियोजनाओं को आपदा से बचाने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए, वही चीज़ घुमा फिरा के वही बात। अभी मैंने आपको बताया था ना कि राष्ट्रीय स्तर पर NDMA का ये काम है कि भारत सरकार के जितने मंत्रालय और विभाग हैं उनको आपदाओं से बचाने का, वहाँ आपदाओं के जोखिम को कम करने का काम करता है। ये काम भी वही, ये भी वही कर रहा है। ये राज्य सरकार के मंत्रालयों और विभागों, उनकी योजनाओं को आपदाओं से बचाने के लिए काम करता है। राज्य योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए समन्वय स्थापित करता है। तो ये जो भी है लगभग लगभग सेम है। कुल मिला के अंतर सिर्फ क्षेत्र का है, काम का नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आप देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और यहाँ लिखा हुआ है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और यहाँ लिखा है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब आप देखो कि ये सब कॉमन है, DMA डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। सिर्फ अंतर क्या है, अंतर क्षेत्र क्या है। ये नेशनल लेवल पर काम कर रहा है, वही काम ये स्टेट लेवल पर कर रहा है और वही काम ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्षेत्र का अंतर है। छोटे कोई छोटे लेवल पर काम कर रहा है, उसी काम को कोई बड़े लेवल पर कर रहा है और उसी काम को कोई और बड़े लेवल पर कर रहा है। अगर आप एक पेज के ऊपर पेंटिंग करते हैं, अगर आप किसी बड़े से कैनवास पर पेंटिंग करते हैं और अगर आप किसी बड़ी वॉल के ऊपर पेंटिंग करते हैं, तो पेंटिंग तो आप तीनों में ही कर रहे हैं। बस अंतर क्या है कि एक पेंटिंग छोटी होगी और एक पेंटिंग बहुत बड़ी बनेगी। तो यहाँ आपको सिर्फ इतना समझना है कि चाहे वो कोई सा भी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हो, एक को पढ़ेंगे अपने आप बाकी के समझ में आ जाएंगे। बस आपको इनकी संरचना देखनी है, इनका स्तर देखना है। अब अगला है जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जिसे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहते हैं, वही मैंने आपसे कहा है ना। अब देखो इसकी संरचना क्या है। राज्य सरकार अपने प्रत्येक जिले में, अब यहाँ पर हम लोग क्या चाहते हैं ना, निचले स्तर से आपदाओं की तैयारी हो जाए। हर राज्य सरकार ये करेगी प्रयास कि अपने यहाँ पर जिले स्तर पर वो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करेगी। इसमें एक अध्यक्ष होंगे और उसके अलावा अधिकतम 7 सदस्य होंगे, मतलब 1+7, यहाँ 8 लोग होंगे। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 8 लोग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 9 लोग और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में 10 लोग। टोटल ये संरचना ऐसी है। अब यहाँ आपको ये समझना है कि अभी तक हमने दो पद देखे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, राज्य आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष मुख्यमंत्री, ये तो हो गए जनप्रतिनिधि। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट DM। मतलब यहाँ कोई जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, महापौर ये नहीं है। यहाँ पर आएगा आपका एक अधिकारी। निचले स्तर पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष का पद किसी जनप्रतिनिधि को नहीं दिया गया है, ये पद दिया गया है जिलाधिकारी को। यहाँ नेता नहीं है, है ना, यहाँ पर अधिकारी आ गए हैं, यहाँ पर स्थायी कार्यपालिका। तो ये आप देख सकते हैं कि जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या उपायुक्त, डेप्यूटी कमिश्नर DDMA का अध्यक्ष होता है।
स्थानीय प्राधिकार का निर्वाचित प्रतिनिधि डीडीएमए का पदेन अध्यक्ष होता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों के मामलों में जैसे मान लीजिए हमारे संविधान में छठी अनुसूची में चार राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो जैसे कि संविधान की छठी अनुसूची में आपको कुछ जनजातीय क्षेत्र मिलते हैं, वहाँ पर पाई जाती है एक स्वायत्त जिला परिषद, आपको पता होगा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट जो है काउंसिल होती है वहाँ पर, ADC होती है। तो जहाँ स्वायत्त जिला परिषद है, ऐसे जिले जिनकी अपनी एक स्वायत्त जिला परिषद है, तो वहाँ का मुख्य कार्यकारी सदस्य DDMA का पदेन सह अध्यक्ष होगा। DDMA का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक और जिला चिकित्सा अधिकारी भी DDMA के पदेन सदस्य होते हैं। तो अगर हम इसकी संरचना की बात करें जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, तो इसमें DM तो है ही, DM के अलावा कुछ और जो बड़े अधिकारी हैं जिले के वो भी इसमें सदस्य होते हैं, जैसे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी CEO, जैसे जिला SP जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, पुलिस अधीक्षक उस जिले का, जो मुख्य जिला चिकित्सक अधिकारी जिसे CMO कहते हैं, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर उस जिले में, हर एक जिले में एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है भारत उस सरकार का। तो ये सारे लोग आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में, ठीक है, सदस्य होते हैं। मतलब पुलिस भी इसमें शामिल है, चिकित्सा के अधिकारी भी इसमें शामिल है, जनप्रतिनिधि भी इसमें शामिल है, और DM इसमें अध्यक्ष हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, इसीलिए ना हमारे DM का पावर इतना ज़्यादा, कई बार बच्चे बोलते हैं ना DM डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या IAS बनना है, UPSC करना है, तो क्यों बनना होता है DM? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े प्रमुख पद होते हैं जिन पर DM को काम करना होता है, जैसे जिला निर्वाचन अधिकारी, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, वो खुद वो DM ही होता है, जिले में निर्वाचन से जुड़ी हुई सारी गतिविधियाँ देखने का काम उन्हीं का है, जिले में स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन कराने का उत्तरदायित्व DM का ही होता है, जिला निर्वाचन अधिकारी के अलावा जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भी, सबसे बड़ा अधिकारी आपदा प्रबंधन का जिले में DM ही होता है, इसके अलावा खाद्य आपूर्ति और भी ऐसे कई सारे विभाग हैं जिनके प्रमुख के तौर पर जिला अधिकारी काम करते हैं। बहुत सारे दायित्व हैं, बहुत सारे शक्तियां हैं, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पद इसीलिए इतना शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि ऐसे कई सारे जो है दायित्व इनके होते हैं। तो ये जो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, ये जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना बनाता है, समन्वय सुनिश्चित करने वाले निकाय के रूप में काम करता है। कुल मिला के जिले में आपदा अगर कोई आती है तो उसमें सबसे पहले उस आपदा से निपटने की जिम्मेदारी, अगर वो सिर्फ जिले तक सीमित है तो जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की, बड़ी आपदा है तो राज्य प्रबंधन जो भी काम करेगा। तो जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना बनाने का काम करना, कोऑर्डिनेशन करवाना, इसके अलावा NDMA और SDMA, ऊपर के दोनों बड़े जो प्राधिकरण है, राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उनकी जो गाइडलाइंस है उनका जिला स्तर पर पालन करवाना। अगर मान लीजिए NDMA ने कोई गाइडलाइन दी है कि भाई कम से कम इतनी मजबूती के साथ भवन बनना ज़रूरी है, नहीं तो किसी भवन को पास नहीं किया जाएगा, तो जिला स्तर पर DDMA उसको लागू करेगा, अपने ज़िले में उस मानदंड से कम की संरचना भवनों और इमारतों को बनवाने से रोका जाएगा या उनको गिराया जाएगा। समझ गए आप लोग? तो ये वही काम, जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन योजना बनाना, राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना, राज्य योजना, जिला योजना के कार्यान्वयन में समन्वय अनुश्रवण, फिर जिले के उन इलाकों की पहचान करना जो आपदा की दृष्टि से भेद्य है। अब उस जिले में अगर कोई ऐसा इलाका है जहाँ ज़्यादातर आपदा आती है कुछ, या जिले में ऐसी कोई जगह जहाँ पर आपदाएं आती रहती हैं, उनकी पहचान करना, उन इलाकों में सरकारी विभाग और जिला स्तर के निकायों के द्वारा आपदा की रोकथाम और उसके प्रभाव को कम करने के उपाय सुनिश्चित करना। तो इस मामले में वो उन इलाकों के सरकारी विभाग, उन इलाकों के जो है निकाय, उनकी सहायता लेगा और उनकी सहायता से आपदा को कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये सारा जो आप देख रहे हो ना, ये जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के काम हैं, और ये लगभग लगभग वैसे ही है जैसा हम लोग देख रहे हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर पदाधिकारी, कर्मचारी, राहत कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, एक प्रकार से ट्रेनिंग, जो भी लोग आपदाओं
कि राहत से जुड़े हैं, जो आपदाओं में जैसे बाढ़ के दौरान या किसी भी ऐसे आपदा के दौरान काम करते हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाना, है ना, ये सारा काम जिला स्तर पर DDA में करता है। फिर स्थानीय प्राधिकारी, सरकारी और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लेना और आपदाओं के रोकथाम या कम करने के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाना। कई सारे सरकार तो करती है, कई सारे NGOs भी होते हैं जो लोगों के लिए काम करते हैं, इन्हें कहा ही जाता है गैर सरकारी संगठन, ये समाज सेवा के उद्देश्य से काम करते हैं, तो इनको मिलाना, इनको साथ लेना और लोगों को जागरूक करना। कई बार लोगों को पता ही नहीं होता, एक समस्या हमारे यहाँ ये है कि बहुत सारे लोग अफवाहों के शिकार होते हैं, कई बार लोग डर जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि लोग भूकंप से नहीं मरते, भूकंप की दहशत से मर जाते हैं। भूकंप शब्द सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सिरसिरी छूट जाती है, एकदम से मन में जो है डरने लगता है। कमज़ोर दिल वालों को तो हार्ट अटैक तक आ सकता है। तो इस तरीके की चीज़ों में लोगों को जागरूक करना कि भूकंप से कोई मरता नहीं है, भूकंप किसी को नहीं मारता, लोग मरते हैं मलबे में दबने से, लोग मरते हैं उनके ऊपर कोई सामान गिरने से। यदि आप भूकंप के शिकार हैं या भूकंप आपके क्षेत्र में आता है, तो आपको भूकंप आने के दौरान क्या क्या करना चाहिए, आपको खुले स्थान पर चले जाना चाहिए या अपने आप को किसी ऐसी जगह पर आप चले जाइए जहां आपके ऊपर कोई सामान या छत या कोई आपके ऊपर ऐसा कुछ गिरे नहीं। तो ये जागरूकता है, ठीक है, कि आपको डरना नहीं है, आपदा अगर आती है तो आपदा के दौरान आपको किस तरीके से अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना है और किस तरीके से बिना डरे उसका सामना करना है, ये जन जागरूकता में आ जाता है। तो मुख्य रूप से ये सरकार और गैर सरकारी संगठन और इन सब के मिला के आपदाओं के लोगों को प्रशिक्षित करते हैं, जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, है ना। कई बार आपने देखा होगा कि घर में गैस सिलेंडर लोगों के यहाँ पर फट जाते हैं, गैस सिलेंडर में थोड़ी सी आग लगती है और फिर उसके बाद लोग डर जाते हैं और वो भाग जाते हैं तो फिर वो फट जाता है। लेकिन आप छोटी मोटी अगर उसके आसपास कोई ऐसी आग लग रही है या कभी वो जल गया है तो आप उस आग को कैसे बुझा सकते हैं, बुझा सकते हैं, या कोई व्यक्ति आग का शिकार हो तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ऐसी कई सारी चीज़ों के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, ऐसी कई सारी चीज़ों के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है। पूर्व चेतावनी और जन सामान्य को सूचना सही तरीके से पहुँचाने की प्रक्रिया को स्थापित करना। भाई अगर मान लीजिए कि कोई आपदा आती है तो कैसे लोगों को रोका जाए, ठीक है, कैसे उन तक पहुंचाई जाए सूचना, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, या और कोई तरीके से आप लोगों को जागरूक कर सकते हैं, उन तक आप जो है सूचनाएं पहुंचा सकते हैं। तो सही सूचना पहुंचाने के तरीकों को, प्रक्रिया को स्थापित करना, उसकी समीक्षा करना, ये काम भी आ जाता है। फिर जिला में आपदा में संलग्न जितने भी सरकारी विभाग हैं, वैधानिक निकाय हैं, सरकारी गैर सरकारी संगठन हैं, उनको ज़रूरी और आवश्यक सलाह देना, आपसी समन्वय स्थापित करना, ऐसे भवनों और स्थानों को चिन्हित करना जो कि आपदा के संभावित खतरे की स्थिति या आपदा के समय केंद्र अथवा शिविर के रूप में काम में लाए जा सकते हैं। अब कई बार आपके आसपास ऐसी इमारतें होती हैं जो आपके काम आ सकती हैं। अगर मान लीजिए कहीं पर बाढ़ आ जाती है तो उस बाढ़ में लोगों को बचाने के लिए कौन सी ऐसी जगह हो सकती है जो उस इलाके में सुरक्षित है, वहाँ लोगों को पहुँचाया जा सकता है, राहत शिविर बनाया जा सकता है, वहाँ लोगों को रखा जा सकता है, है ना। आपने देखा होगा आमतौर पर बाढ़ वाले इलाकों में लोगों को निकाल के ऊंची जगहों पर पहुँचाया जाता है। लगभग हर आपदा में इस तरीके के केंद्र बनाए जा सकते हैं या कम से कम उनको चिन्हित किया जा सकता है कि आपदा आने पर सबसे पहले कहाँ जाना है। जैसे आपने देखा होगा कि जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन में आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक खिड़की ऐसी होती है जिसे आपातकालीन खिड़की के नाम से जाना जाता है, इमरजेंसी विंडो कहा जाता है, और थोड़ी थोड़ी दूरी पर पूरे रेल में, पूरी ट्रेन में आपको डब्बों में इस तरीके की खिड़कियाँ मिल जाएंगी कि अगर मान लीजिए कभी अचानक से ट्रेन में आग लग जाए, कभी अचानक से ट्रेन के दरवाजे जो है वो नहीं खुल पा रहे हैं या किसी कारण से कोई समस्या आती है तो उस आपातकालीन खिड़की से आप बाहर निकल सकते हैं। वो क्या है, वो एक ऐसी जगह है जो आपकी आपदा में सहायता करेगी, मदद करेगी, है ना। तो या जैसे मान लीजिए कोई बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, कहीं पर भीड़ इकट्ठा हुई है और वहाँ कोई आपका परिचित वाला
कोई आपका जानने पहचानने वाला आपका कोई रिश्तेदार परिवार का कोई व्यक्ति गुम हो जाए, कोई छोटा बच्चा गुम हो जाए, तो वहाँ पर ऐसी जगह कुछ मंच बने होते हैं जहाँ से सूचना माइक के द्वारा प्रसारित की जाती है और लोगों को जो है ढूंढा जा सकता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इस तरीके के भवन और स्थान, उनको ये चिन्हित करने का काम भी है इनका, ताकि आपदा के समय में वो आपदा राहत केंद्रों के रूप में काम कर सकें, शिविर के रूप में काम कर सकें। इन भवनों और स्थानों पर पीने के पानी और साफ़ सफाई की व्यवस्था करवाना, ताकि लोगों को ज़रूरत पड़ने पर ये काम आए। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ हम लोगों ने जैसे कोविड के टाइम पर बहुत सारे लोगों को अचानक से जो है, जब वायरस हुआ, जब आपको पता है कि वो इन्फेक्ट हुए, प्रभावित हुए, जब संक्रमण फैला, तो बहुत सारे लोग कोविड के शिकार हुए, एक प्रकार से महामारी बन गई, अस्पताल में बेड कम पड़ गए। तो ऐसी कई जगहों को अस्थायी अस्पताल बनाए, जैसे आपने देखा कई सारी ट्रेन रेल जो है उनको अस्पताल बना दिया गया, हॉस्पिटल के रूप में आप कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसी कई सारी जगहों पर, और वहाँ लोगों को रख सकते हैं, वहाँ अस्थाई जो है अस्पताल बना के बेड लगा के लोगों का उपचार कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? आ गया समझ में? कंप्लीट हो गया नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। चलो भाई जल्दी बताओ, अब हम लोग जो है अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सहकारी समितियां, सहकारिता, ये कोई नई चीज़ नहीं, आपने कई बार सुना होगा। सहकारिता के बारे में आप जानते होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, दरअसल मनुष्य जो है ना एक सामाजिक प्राणी है, कई बार वो अकेले बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाता, ऐसी स्थिति में उसको ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है समाज के कुछ और लोगों की, और वो सब आपस में मिलकर और अपने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एक दूसरे से कर सकते हैं। तो सहकारिता जो आप पढ़ते हो ना, सहकारिता जो शब्द होता है, इसका मतलब होता है साथ मिल के काम करना, है ना, साथ मिल के काम करना, ताकि सबका फायदा हो। सब मिल के काम करेंगे, थोड़ा थोड़ा योगदान सभी देंगे, तो एक पूरे के पूरे समूह को उससे फ़ायदा हो सकता है। सबसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि किसी इलाके में मान लीजिए कि पानी की बहुत समस्या है, और लगभग हर परिवार वहाँ पानी की कमी से पीड़ित है। सरकार को भी कई बार कह दिया कि भाई यहाँ पर पानी नहीं है, पानी हमें कम पड़ रहा है, पानी हमको और चाहिए, लेकिन सरकार के पास बजट नहीं है, सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जनप्रतिनिधि अधिकारी कोई नहीं सुन रहे। अब लोग कई कई किलोमीटर दूर चल के जाते वहाँ से पानी अरेंज कर रहे हैं, तो उस इलाके के लोग क्या करें? अब वो आपस में मिल के अपने लिए कोई उपाय ढूंढ सकते हैं, जैसे उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, वो सब इतने सक्षम नहीं है कि अपने लिए कोई अकेले जो है कुआं खुदवा ले, ट्यूबवेल लगवा ले, इतना पैसा उनके पास नहीं है। तो आपस में सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा पैसा इकट्ठा किया और एक बड़ा अमाउंट हो गया, उस पैसे से उन्होंने वहाँ पर एक कुआं खुदवा दिया, और उस कुएं से अब जो है जितना भी पानी निकल रहा है वो सब आपस में थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। कुल मिला के आपने देखा कि जब एक व्यक्ति कुआं खुदवाने की कोशिश करता है तो वो नहीं खुदवा सकता, क्योंकि उसके पास में पैसा नहीं है, लेकिन सब लोगों ने थोड़ा थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करके वहाँ पर पानी की व्यवस्था कर ली, और अब उस पानी का उपयोग सभी लोग कर रहे हैं, उनकी समस्या का हल हो गया। यही सहकारिता का सिद्धांत है, बहुत आसान है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, जब हमारे बेरोजगारी के दिन चल रहे थे, जब हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, आमतौर पर जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, जब आप कम एज के होते हैं, तब आपके आय के साधन नहीं होते, तब आप अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं, उन्हीं से आपका पूरा खर्चा चलता है। अब ऐसे में कई बार आपके साथ भी ऐसा होता है, कॉमन सी चीज़ है, किसी फ्रेंड की शादी आ गई या किसी का बर्थडे आ गया, अब आप उसको गिफ्ट देना चाहते पर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप सभी लोग अपने ग्रुप के दो चार पांच लोग अपने इकट्ठा होकर थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाएं, तो एक बड़ा अमाउंट बन जाता है, उससे एक अच्छा गिफ्ट आ सकता है, और वो आप सभी एक साथ मिलके दे सकते हैं। करते होंगे आप लोग भी, करते हैं कि नहीं करते? कंट्री बोलते हैं हमारे यहाँ इसको,
आम बोलचाल की भाषा में कॉन्ट्री। और इस कॉन्ट्री के द्वारा कई बार हम पार्टी भी कर लेते हैं, कई बार हम किसी को गिफ्ट भी दे लेते हैं, कई बार हम लोग जो है मूवी देखने चले जाते हैं, या कोई भी ऐसी छोटी मोटी जो हमारे मनोरंजन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो हम लोग कर पाते हैं ना। मतलब सहकारिता हमारे खून में ही होती है एक प्रकार से, ठीक है। जहाँ संसाधनों की कमी होती है ना, वहाँ सहकारिता अपने आप लोग सीख जाते, सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी को। तो ऐसे ही भारत में भी सहकारी समितियाँ कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा संवैधानिक प्रावधानों के हिसाब से समझना है। सहकारिता क्या होती है तो आप समझ गए होंगे, कोऑपरेटिव सिद्धांत। तो भारत में 2011 में 97वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो सहकारी समितियों से ही जुड़ा हुआ, सहकारी समितियों को संवैधानिक संरक्षण देने के लिए, संवैधानिक स्थिति उनकी जो है वो बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए इन्होंने भारत के संविधान में हमने एक 97वां अमेंडमेंट किया था 2011 में। ये आप सबको पता होगा, इसमें भारत में जो है संविधान में तीन बदलाव हुए थे। पहला तो अनुच्छेद 19 के अंतर्गत संगम संघ बनाने की जो स्वतंत्रता है उसमें सहकारी समिति बनाने का भी एक अधिकार जोड़ दिया गया मौलिक अधिकार के रूप में। इसी के साथ अनुच्छेद 43B भाग 4 में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद जुड़ गया, एक नया निदेशक तत्व जुड़ गया। सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को जोड़ दिया गया। और फिर भाग 9ख एक पूरा के पूरा भाग जोड़ दिया गया अनुच्छेद 243 में 243ZH से 243ZT तक। ये पूरा के पूरा आपका पार्ट 9B ऐड हुआ था। पार्ट 9 पंचायतें हैं, पार्ट 9A नगरपालिका है, पार्ट 9B ये हो गया आपका सहकारी समितियाँ। तो ये 97वां संविधान संशोधन हमारा सहकारी समितियों से ही जुड़ा हुआ रहा है, ठीक है। इस चैप्टर को हम लोग कल करेंगे, अगले सेशन में मैं आपको सहकारी समितियों से जुड़े हुए काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगा, डिस्कस करूँगा। तो आप इस सेशन को लाइक करना ना भूलें भाई, सेशन अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, और लाइक करने के साथ साथ शेयर भी करिए। सबसे अच्छी बात, अनअकैडमी आपको दे रहा है बम्पर डिस्काउंट। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जल्दी से जल्दी आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, अगर आपको लेना है तो। CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करिए, 50% तक डिस्काउंट, 50% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है। आधी फीस में सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, और क्या मिलेगा, सब कुछ। सब कुछ मतलब कंप्लीट GS प्रीलिम्स और मेंस दोनों का, CSET प्रीलिम्स निकालने में आपको पता है CSET की भी अपनी भूमिका है, ऑप्शनल मेंस में आपका स्कोर ऑप्शनल पर बहुत डिपेंड करता है, तो आपका एक ऑप्शनल, और ऑप्शनल में अच्छे नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। तो GS, CSET, ऑप्शनल और फिर प्रैक्टिस, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज और नोट्स, लाइव मेंटरशिप, डाउट क्लियरिंग सेशन, डेली आंसर राइटिंग, सब कुछ 1750 रुपये पर मंथ में प्रति माह आपको पड़ेगा। आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेके मात्र 1750 रुपये महीने में अपने UPSC क्लियर करने का सपना साकार कर सकते हैं, ओके। तो प्लीज़ बहुत ज़्यादा समय ना गवाएं, और जितने टॉपर्स अनअकैडमी से जुड़े रहे उसमें अगला नाम आपका भी हो सकता है। जस्ट यूज़ दिस रेफरल कोड, आप UPSC के अलावा भी कोई सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पर लें, आप बिहार PSC का लिए, UPPCS का, स्टेट PCS का, रेलवे का, बैंक का, कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेंगे इस रेफरल कोड को यूज़ कर देना, डिस्काउंट गारंटी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।